हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज का मेरा वीडियो है जो शकरकंद का पौधा होता है ना, जो लर, वो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा होता है पत्ता उसका और कैसे बैठता है वो शकरकंद। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यही है शकरकंद का लर। देखिए ये, देखिए इसका जड़ है ये। देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा होता है इसका लर, ऐसा है ना। ये देखिए, अभी ये तो छोटा है, और दिखाते हैं इधर है, और देखिए यहाँ पे जड़ है इसका, और देखिए यहाँ तक आया है ये। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये सब देखिए, ये इसका जड़ दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ ये सब लगेगा ना, ये सब वहाँ वहाँ ये शकरकंद बैठेगा, अंदर में ज़मीन में बैठता है नीचे। देखिए यहाँ भी एक लाइन से बैठता है, दूर दूर तक ऐसे ही पसरा रहेगा ये। देखिए और एक जगह लगाइएगा ना तो बहुत लंबा में फैल जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप ही। इसका पत्ता सेम के पत्ता जैसा होता है। देखिए इसका लर ऑटोमेटिक अपने आप ही इधर उधर हो जाता है और बहुत ही लंबा दूर में फैल जाता है ये। देखिए इसका जड़, देखिए बहुत लंबा दूर तक फैल जाता है। अभी तो फिलहाल ये लगा है, कुछ ही दिन हुआ है, और ये सिर्फ, ये अभी पूरा लगा हुआ नहीं है, ये इसको सिर्फ बिहन करने के लिए किया गया है। अब ये हो गया ना, इसको काट काट के फिर से लगाया जाएगा दूसरी जगह पे। फिलहाल ये उपजाऊ के लिए बनाया गया है सिर्फ, फिर इसका लर है ना वो काट काट के दूसरी जगह लगेगा, और फिर लगभग 1 से 2 कट्ठा में रोपा जाएगा ये। देखिए इसका पत्ता एकदम सेम के पत्ते जैसा होता है। देखिए इसका पत्ता, सेम के पत्ते जैसा। इसका लर भी बहुत अच्छा होता है। देखिए लर है ना, और मोटा मोटा होता है ये। देखिए मेरा मोबाइल थोड़ा ब्लर ज़्यादा कर देता है कभी कभी ना, इसलिए कैमरा कभी साफ नहीं आता है। देखिए यही था आज का मेरा वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।